मैं ये पत्थरगढ़ आया हूँ उस दिन से ना मोहबा से ना कोई खबर ना कोई समाचार कुछ नहीं आता है ना जानू मेरे देवर जी कैसे होंगे मेरे बेटा कैसे होगा मेरी बेटी कंचन कैसे होगी मैं तो यहाँ घुट घुट कर मरती हूँ कैसे रात दिन कटता है वो तो मेरे दिल पे गुजरती है
आइए को नहीं खबरिया भैया हम जो के जाए आइए को नहीं खबरिया भैया भैया हम जी सो के पारा करेंगे ये तुरंगे आज मैं पूरब की ओर चला हूँ क्या देख रहा हूँ महाराज देखो बेटी हजूर तुम दरवाजे पर पहरा चुकाओ अगर कोई आए तो मुझे खबर करो ठीक है आवाज को शबा दिए मुझे लगता है बड़ी महारानी इसी राज में है इस बोर्ड में क्या लिखा है इस बोर्ड में इस साई बोर्ड में साइन बोर्ड में नहीं सेंट बोर्ड में शाइन बोर्ड में हाँ मालिक हाँ हो जत्या ने लिखवाल था ना हम बड़ परोहल छुआई है भी पास लिए दिए साफ हम उठा था अरे साला तुम्हारे तो रखना भी मेरा मुश्किल है बाप रे मालिक हमरा छेड़ दबो हम मंगनी में हमर बाल छोड़ दबो हम हमर मंगनी बाल बचाओ भक्ति पैर के रहे मतलब ओन बिना ऐसे बोलो जी ऐसा है बोर्ड में की लिखो क्या लिखा ऐसा कहीं मेरा नौकर है इसका इतना पढ़ाए क्या आए काई मरत है सतीस मेरा भाभी की कोयल की तरह बोली ये देखो हजूर आप दोनों मिलकर ये घूमते घूमते उत्तराखंड आ गए ये पथरीगढ़ है राज जल सिंह महाराज ये तो नाम लिखा है राज राजा ज्वाला सिंह महाराज जल्द चला जाए हो न हो इसी राज में कहे अरे मंत्री बड़ी महारानी है जल्द चला जाए ऐसे करो एक भी घर नहीं छूटे सारे घर में छान मार लिया जाए तो चला जाए हजूर अरे मैं ये क्या ये देखिए हजूर ए पीरिस के नीचे
एक औरत एक लेडीज कुछ बांट रहा है और उसका सामान कोई खा रहा है। चल कर देखा जाए कौन है क्या बांट रही है। और देखो वो पीपल के पेड़ के नदी क्यों नहीं हजूर चलो सती सोना हे कैसे के रात ये हे सोना मांगे ये पता है कैसे के रे कहेगी सोना हाजू वो अपनी बड़ी महरानी की नाम बता रही है क्यों ये तो सोना भाभी की आवाज आ रहा है। हाँ महाराज और उसी का सकल छोटे मालिक का नाम ले रही है कुछ नहीं मेरा भाभी है महाराज चला जाए चल करके देखा जाए जल्दी जल्दी चलो सदा रहे मेरा नाम क्यों नहीं भाभी
मन से आशीष देते हूँ देवती ये जिस सदा रहे कल्याण भाभी सोना तुम यहां क्या कर रहे हो? ये कौन है? तुम क्या करते हो? बता इज्जत या हाँ भाभी आई बचला सोना नहीं मुख से बचना तीन मत निकालना बताओ तूने किस कारण अपनी ऐसे भेष बना करके रखे हो और किस कारण तुम यहां पर है मुझे बता दे भाभी मैं सीड का थर मैं अलग कर दूंगा देवर बौना डाकू हां भाभी एक समय की बात है मैं अपनी लाल बगीचा गई थी झूला झूलने के लिए क्यों नहीं देवर जी मुझे छोड़कर और वो जंगल को सैर करने लगे और बोले भाभी तुम यहीं रुको मैं सैर करके आ रहा हूं उतना ही काल में ये पत्थरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह मेरे सामने आया और मेरे साथ कुछ बदतमीजी की अच्छा लेकिन वो फिर लौट कर चला गया लेकिन अचानक क्या हुआ नहीं हुआ वो चोरी छुपके से मुझे हरण करके ए अपना राज में ले आए देवर जी मैं उस दिन से इसी राज में मैं घुट घुट कर मर रही हूँ लेकिन मैं तो चाहूंगा भाभी ज्वाला सिंह का मैं नस नस में अपने तेगा धंसा दूंगा आहो अकेला फूर क्या भाभी नहीं
मत बताओ कैसे के रहला हे भाभी तोहा ये कोना मेरे अगर सामने रहता तो मैं उससे कांच चिवा जाता। आईना सन्ना सतोरी दिया भाई पथरी करा जाए आप यहाँ से मुझे ले चलिए अपने महाराज ले चलिए। मैं तो चाहूंगा तो ज्वाला सिंह का सहित में यहाँ से घिसेट के रात महोबा तक पहुंचा दूंगा। मैं क्या करूं छत्री का धर्म नहीं होता अगर मैं यहां से ले जाऊं तो एक तो चुरा करके मेरे भाभी को वो लाया और यार कहेगा मेरा एक पौना टाकू चोर ऐसे भी नहीं तो टाकू का टाकू भाभी मैं देवर जी मैं तुम्हारे ऐसे नहीं ले जाऊं। फिर कैसे ले जाएं? मैं राज मोहब्बा से मैं अपने दोस्त रुदल की मैं खबर पहुंचा के अरवास लश्कर सजा के और ईट ईट पत्थरी राज को मैं छुड़ा करके यहां से ले जाऊंगा। और वो कौन है? ये ज्वाला सिंह को बेटी है, इसे नाम है सुगा पंखनी। अरे लड़की यहां आओ, इतनी सुंदर है। अगर मेरा बेटा अल्लाह से, मेरा बेटा इंदल से अगर शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ए लड़की हाँ महाराज, और देखने में तो बड़ी सुंदर है। जोड़ी भी भगवान लगाता है तो अच्छे तरह से। मेरा दोस्त का बेटा इंदल कुमार। देवर जी जब मैंने यहाँ आई थी उसी दिन से मैंने कसम खाई हूँ मैं सुगा पंखनी को अपनी पुतू बना कर ले जाऊंगी डोली में। भाभी सुना, मैं तो सूरत देख के लड़की की मेरा भी मन में आ गया जो मेरा बेटा इंदल है उसकी साथ में मैं इसकी दुल्हन बना करके ले जाऊंगा। कितनी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। देखिए अब इसी जगह से हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर रात में आप लोग की इसी स्टेज पर।
हम लोग को जितना कलाकार हैं सभी कलाकार आपको सेवा में जारी रहेंगे।